जय भीम जय मूल निवासी, मैं शैला, M&T न्यूज नेटवर्क में आप सभी का स्वागत है। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ से सटी हरदोई लोकसभा सीट अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित है। हरदोई के अंतर्गत 5 विधानसभा क्षेत्र है, इनमें सवेजपुर, शाहबाद, हरदोई, गोपामऊ और संदी शामिल है। हरदोई लोकसभा सीट से पीपल्स पार्टी ऑफ इंडिया डेमोक्रेटिक के अधिकृत उम्मीदवार साहब सिंह चुनाव लड़ेंगे, जिनसे M&T न्यूज नेटवर्क के संवाददाता ने खास बातचीत की। आइए देखते हैं यह खास मुलाकात। M&T न्यूज चैनल में सर आपका स्वागत है। सबसे पहले तो आप अपना परिचय दे दीजिए। मेरा नाम साहब सिंह है, मैं 31 लोकसभा हरदोई का उम्मीदवार हूँ। मेरा कैरम बोर्ड है। अच्छा, कौन सी पार्टी से चुनाव लड़ना चाहते हैं? पार्टी ऑफ इंडिया डेमोक्रेटिक। अच्छा, PPI से लड़ना चाह रहे हैं। अच्छा सर, आप को क्या आवश्यकता पड़ी चुनाव लड़ने की, क्यों आप चुनाव लड़ना चाहते हैं? क्योंकि मेरी पार्टी इसलिए बनाई गई है क्योंकि तमाम पार्टियां आई यहाँ संविधान ख़त्म करना चाहती हैं और तमाम वादे किए, बेरोजगारी बढ़ी। हमारी पार्टी आएगी तो उसमें हम बेरोजगारों को रोजगार देंगे और शिक्षा का समानता करेंगे, क्योंकि चाहे जो बच्चा हो, चाहे मंत्री का हो, संतरी का हो, वो एक ही स्कूल में पढ़े, शिक्षा की समानता तभी हो सकती है। अच्छा जी सर, की रिपोर्ट के मुताबिक शिक्षा का स्तर बहुत गिर गया है, इसलिए शिक्षा का स्तर उठाने के लिए हम पीपल पार्टी ऑफ इंडिया हमारा काम करेगी और अच्छे से शिक्षा व्यवस्था लाएगी। तो अच्छा मतलब रोजगार देगी, 50% औरतों को जो है रोजगार देगी और हमारे नवयुवक तो छात्राओं को 50% आरक्षण प्रतिनिधित्व में देगी और हर क्षेत्र में समान अधिकार मिलेगा। तो जनता से अपील है, विनम्र निवेदन है कि हमारी PPI में वोट देने के लिए समर्पित रहें। हमारी PPI अगर आएगी तो शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार में मुहैया कराएगी। हमारी पार्टी इसीलिए आई है जो सभी लोगों को अधिकार, समान शिक्षा मिलती रहे। जो आपने वादे किए थे कि इतना रोजगार देंगे और 15 लाख खाते में आएगा और किसानों की दोगुनी आय हो जाएगी, सीमा पर इतने जवान मर रहे, शहीद हुए, पुलवामा अटैक हुआ, ये सब एजेंट्स फेल हो गई। आपने कोई ठोस कदम आतंकवाद के खिलाफ नहीं उठाया, तो आपने देश की आंतरिक सुरक्षा पर ठोस कदम उठाया, न तो सब चीज़ों को उठाने के लिए हमारी पीपल्स पार्टी ऑफ इंडिया पूरा ईमानदारी और निष्ठा से काम करेगी। सर, आपकी पार्टी का मैनिफेस्टो क्या है? मेरी पार्टी का मैनिफेस्टो है संविधान की सुरक्षा, संविधान को पूरी तरह लागू करना, संविधान में 6वीं-8वीं अनुसूची पूरी तरह से लागू करना जिससे किसानों की दोगुनी आय हो। अन्य सरकारों ने आय का वादा किया दोगुनी का, लेकिन नहीं कर पाया, लेकिन हमारी पार्टी का मैन्युफैक्चरिंग में ये दिया हुआ है कि महिलाओं को पूर्ण अधिकार, महिलाएं किसी के आगे हाथ गिड़ाना पड़े, ना अत्याचार हो, ये सब सारे हमारे मैन्युफैक्चरिंग में हैं। देश बर्बाद हो रहा है, हमारे देश में जॉब की दर बढ़ी है और मोदी सरकार ने जब नोटबंदी की थी तब भी करीब 20 लाख लोग पर थे और उसके बाद और बेरोजगारी बढ़ी। अब बढ़ते बढ़ते बेरोजगारी इतनी बढ़ गई है कि भाजपा सरकार ने वादे किए थे उसके मुताबिक फेल हो गई। वोट भाजपा सरकार में दिया था लेकिन आज उसका स्तर बहुत नीचे गिरता जा रहा है, जो कि वादे के मुताबिक वो पार्टी फेल हो चुकी है। हमारा उद्देश्य है कि हम पूरी निष्ठा से काम करेंगे और सभी संविधानता के लिए बेहतर अवसर देने के लिए आए हैं, काम करूंगा। मेरा उद्देश्य कोई नेता बनना नहीं था, हमारा उद्देश्य सभी लोगों को ईमानदारी से सभी चीज़ें मुहैया कराने के लिए PPI आई है, नई उम्मीदें लाई है। संविधान बचाना है, PPI लाना है। जय भीम जय मूल निवासी।